शिक्षक दिवस की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देने का नीचे काम करता हूँ। नीचे माइक करिए। और जो आप लोग का मांग है कि पूरे तरीके से जो विज्ञापन जो मेरी आप लोग मेरे लाने का काम किया, आप लोगों छाटने का काम किया और उन्हीं लोग का सरकार में पूछवा जो मराई पहुंचाने का काम। तो ये हम मीडिया के माध्यम से या नीतीश कुमार जी विचार विमर्श नौजवानों के लिए करने का काम करें, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कहिए कैसा जो क्षेत्र है जिसमें धांधली पूरे तरीके से सरकार के द्वारा, सरकार ने न जाने कितने घोटाले किए, घोटाले करके कुर्सी कुमार कुर्सी से चिपक करके बैठे हुए। तो एक लड़का यहाँ से गया, अनिल नाम का लड़का, कहा हम लोग का अध्यक्ष है, सर अध्यक्ष है हमारे, अध्यक्ष है सर, हम लोग का शेर है। तो जिस तरीके से हमारा नौजवान बाहर क्यों जाता, पलायन क्यों करता, उसको रोजगार नहीं दिया, रोजगार के नाम पर लूटने का काम किया गया, उसके पेट पर लात मारने का काम हुआ। माइक थोड़ा नीचे कीजिए आप लोग सब, हल्का हल्का। उन लोगों ने बोला जब चुनाव चल रहा था तो उस समय में हमने बोला था, तेजस्वी जी ने भी बोला था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा और देने के लिए हम लोग तत्पर थे पूरे तरीके से, बिल्कुल 10 लाख। लेकिन तो आवाज बढ़ाइए माइक का ताकि सुनाई दे सब विरोधी, बढ़ाइए माइक का आवाज। लेकिन उसमें कौन है उधर, देखिए आप लोग का न्याय हो गया, न्याय होगा, पूरा पार्टी को राय देगा, बिल्कुल उधर चले जाएंगे। तुम ड्रामा कर रहा है यार, हम बाबू आराम से मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, बोले सॉरी भैया। हम लोगों ने बोला कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, सरकार बनेगी तो, लेकिन हमारी सरकार बनी उसमें भी इन लोगों ने धांधली किया, जिस तरीके से आपके साथ धांधली की। बोला कि 20 लाख रोजगार, भाजपा का एक नेता आया बोला कि हम 20 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, 20 लाख। अब कहाँ है 20 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार कहाँ गया, काम को 19 वाला ठगने का काम हुआ 2011 ना जाने कितना 12-13 से लोग लूट रहा है सरकार को, सरकार पूरे तरीके से घोटाला करके भी आम आदमी या आम कार्यकर्ता या गरीब मजदूर किसान या शिक्षक कोई जा सकता है थाना में काम कराने के लिए, या वीडियो के पास जा सकता है, गांव में काम कराने के लिए सीईओ के पास जा सकता है, लेकिन जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जब सरकार थी तो आदमी जाते ही देखते ही डर करके काम कर देता था, काम उसका हो जाता था। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि पूरे तरीके से हर एक जगह धांधली पे धांधली किए जा रहा है, और अनिल जी ने तो सही बात बोला कि अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लाठी चलाए, गोली चलाए, बम चलाए, मिसाइल चलाए, लेकिन संघर्ष जो है हम वो करना है, हम अपने आप को कमजोर नहीं करेंगे कि हम ही शहीद हो जाएंगे, सही बात, हम ऐसा सरकार को मजबूर कर देंगे कि सरकार शहीद हो जाए, और ताकत को बना करके रखेंगे, क्योंकि आगे की जो पीढ़ी है आप लोग भविष्य है पूरी तरीके से बिहार का, इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपने हक के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ये महाभारत कालीन में पांडवों को राज नहीं मिला, समझौता आता मेल से कौरवों और पांडवों तो महाभारत नहीं होता। तो लड़ाई युद्ध अधिकारों के लिए शुरू से चलता रहा, और ये इसमें कोई नई बात नहीं है, इस सरकार में तो शुरू से ही लोग धांधली करता आ रहा, सबके साथ धांधली किया गया है,
चुनाव में हम लोग को चीट करने का काम किया गया, नेता ही को नेता चीट करने का काम, बिहार जनता तो आम जनता पूरे बिहार तो आपके साथ जो आप लोगों ने मांग उठाया है एकदम जेन्युइन एकदम धरातल से जुड़ा हुआ मांग है, इसका मैं समर्थन करने का काम कर रहा हूँ। जितने मेरिट वाले हैं तमाम लोगों को मैं समर्थन करने का काम, अब तमाम लोगों को मैं समर्थन करने का काम करता हूँ और आपके साथ रह करके हम जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम भी बैठ के आंदोलन करेंगे। आज से समझिए कि सब खराब हो गया, बिल्कुल सरकार से भी हम बात करने का काम करेंगे आप लोगों के लिए कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ जो जाति और जिस तरीके से आप लोगों के साथ जो धांधली किया विज्ञापन बिल्कुल विज्ञापन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम सरकार से बात करेंगे।